लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो चुकी है। नेपाल के मैचेस खत्म हुए, वर्ल्ड कप का कैंपेन खत्म हुए और सारे नेपाली खिलाड़ी अपने घर आ चुके हैं। लेकिन ना अभी तक एक भी न्यूज़ निकल के नहीं आई है कि बैटिंग कोच का क्या हुआ, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल की बैटिंग रही है वर्ल्ड कप के अंदर, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं कि नेपाल में एक बैटिंग कोच की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी तक न्यूज निकल के नहीं आई कि बैटिंग कोच टीम में आएगी या नहीं आएगी। ऊपर से एक ऐसा न्यूज निकल के आ गया कि कोच मोंटी देसाई जो है, नेपाल के जो कोच है, उनको वर्ल्ड कप से पहले जो कैन बोर्ड है उन्होंने कहा था कि आपको जो चीज चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप नेपाल क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाओ, ये कोच को कहा गया था कैन बोर्ड की तरफ से। लेकिन मोंटी देसाई जो है वो फेल रहे, मोंटी देसाई से नहीं हुआ और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि प्लेयर की बैटिंग के वजह से चीजें चूक गई, नहीं तो नेपाल क्रिकेट टीम सुपर एट में चली जाती। अब पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कल टीम मैनेजर थे वो कह रहे हैं कि अब कैन बोर्ड जो है वो आगे डिसाइड करेगी कि क्या करना है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैन बोर्ड हो सकता है मोंटी देसाई को कोचिंग पोजिशन से हटा के कोई नया कोच हायर करे। अब देखो यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछो कोच मोंटी देसाई को लेके, तो ठीक है यार नहीं हुआ, हर कोच जो है आपको फाइनल जितवा के नहीं दे सकता, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचवा सकता, उसके लिए प्लेयर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक सेकंड के लिए हम लोग पहले मोंटी देसाई को साइड में करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं बैटिंग कोच को लेके। कैन बोर्ड जो ये चीजें कह रहे हैं, मतलब देखो ये जो बयान दिया गया ना वो टीम मैनेजर की तरफ से दिया गया, जो मैनेजमेंट होती है उसमें एक टीम मैनेजर होता है, उसने ये बयान किया कि कोच मोंटी देसाई को हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग जो डिसाइड करके निकाल के नया कोच लेके आए। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी दिक्कत हुई है बैटिंग में, आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपकी जो है वो क्या दिक्कत है, बैटिंग में दिक्कत है, बॉलिंग की दिक्कत थी तो आपने एक बॉलिंग कोच हायर किया तो आपको जो है बॉलिंग कोच मिला, अच्छी बॉलिंग हुई वर्ल्ड कप के अंदर। अब आप यहाँ पे बैटिंग कोच हायर करने की जगह आप जो है यहाँ पे मोंटी देसाई को निकालने की बात कर रहे हैं। देखो मोंटी देसाई के आने के बाद नेपाल क्रिकेट टीम ने सक्सेस के रास्ते देखे, एशिया कप खेला, बहुत सारी चीजें खेले, बड़े बड़े स्टेज पे खेला नेपाल के प्लेयर्स, नेपाल की टीम ने, चलो निकाल भी दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोंटी देसाई को आप निकाल भी दो, नया कोच हायर करो। लेकिन जो मेन आपका दिक्कत है वो है बैटिंग, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप जो आउट हुए हैं ना वर्ल्ड कप में, एक भी मैच नहीं जीत पाए हो, उसका सबसे बड़ा रीजन ही जो है वो आपकी बैटिंग थी। आपके बॉलरों ने मस्त काम किया, आपके सारे गेम्स जो है प्लान के हिसाब से गए, लेकिन आपके बैट्समैन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, तो सबसे बड़ी दिक्कत वही है बैटिंग। आपको बैटिंग कोच एक हायर करना पड़ेगा और कैन बोर्ड को पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए बैटिंग कोच के पीछे, क्योंकि देखिए एक अच्छा कोच मैंने आपको पहले भी कहा, या तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कहीं से भी आप एक उठाओ, कहीं से भी एक अच्छा कोच उठाओ, बैटिंग कोच उठाओ जो क्रिकेट के मतलब बारे में समझ रखता हो, बैटिंग के बारे में समझ रखता हो। और एक चीज, इस टीम में ना नेपाल क्रिकेट टीम में मैंने देखा कि 11 के 11 प्लेयर ही ऑलराउंडर है। अगर सिर्फ आप आसिफ शेख और अनिल शाह को हटा दो तो कुशल गुरतेल भी बॉलिंग करता, रोहित पौडेल भी बॉलिंग करता, सोमपाल कामिन भी बॉलिंग करता, कुशल मल्ला भी बॉलिंग करता, सारे प्लेयर बॉलिंग बैटिंग करते हैं। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहूं मैं कहूंगा कि थोड़ी सी डिसएडवांटेज है नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, इसलिए क्योंकि आपको एक प्राइम बैट्समैन चाहिए जो आपके लिए बैटिंग कर सके, जो आपके लिए गेम लंबा ले जा सके, और वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नेपाल क्रिकेट टीम में कमी है। तो सबसे पहले आप अगर एक बैटिंग कोच हायर करते हो तो ये चीजें टीम में लाओ कि आपके पास तीन या चार बैट्समैन ऐसे हो जो आपके लिए रन बना सके। आप ऑलराउंडर रखो, ऑलराउंडर रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको टीम में ऐसे प्लेयर्स भी रखने पड़ेंगे जो आपके लिए रन बना के दे। कुशल बुरतेल बॉलिंग में ठीक करने लगा तो उसकी बैटिंग खराब हो गई, तो बैट्समैन को बॉलर बनाना बंद कीजिए और बॉलर को बैट्समैन बनाना बंद कीजिए, नहीं तो मैं कह रहा हूं ना आने वाला जो आपका सीडब्ल्यूसी लीग है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और देखो मैं एक चीज और कह रहा हूं, अभी तो आ चुकी है नेपाल के प्लेयर्स अपने घर, अब कुछ दिन बाद यहाँ पे हो जाएंगे भाई स्टार्टेड लीग मैचेस, प्लेयर्स वहां बिजी हो जाएंगे, कोच तो अभी तक हायर नहीं हुआ, उसके एक डेढ़ महीने बाद फिर आ जाना है सीडब्ल्यूसी, वहां पे जाके नेपाल परफॉर्म करेगी, यूएसए में अगर फिर बाई चांस आ गई तो फिर फैन नाराज, फिर फैन का दिल टूट गया। तो कहीं ना कहीं अभी से आपको स्टेप लेना पड़ेगा, एक बैटिंग कोच हायर करना था, अभी तक आपको न्यूज दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे आपकी बॉलिंग खराब थी आपने बॉलिंग कोच हायर किया, वैसे ही आपको एक बैटिंग कोच जो है वो हायर करना चाहिए। बाकी देखो कोच मोंटी देसाई को निकालना है आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आपके प्लेयर को ही करना है ना कोच को, कोच आपको प्लानिंग करके दे सकता है, स्ट्रेटजी बना के दे सकता है, परफॉर्म बैट्समैन को ही करना होता है, जो खेलते हैं वहां उसको करना होता है। और टीम मैनेजर का यही कहना है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मोंटी देसाई को निकाल दिया जाए टीम से। तो ये इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा।
और एक बैटिंग कोच चाहिए यार नेपाल को। मैंने अभी तक न्यूज ही नहीं सुनी बैटिंग कोच के लेके कि भाई बैटिंग कोच आया है। इसको लेके क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप।